हेलो नमस्कार सत्यागर आदाम खम्मा खड़ी, वेलकम टू फ्रेश वीडियो ऑफ आईटीसी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। हमने आईटीसी के ऑलरेडी 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं 3 पार्ट्स में, और वो 3 पार्ट्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो पार्ट्स को देख लीजिए एंड फिर आइए यहाँ पर। फाइनली स्टार्ट करते हैं ब्लॉक क्रेडिट। सर, व्हाट इज़ ब्लॉक क्रेडिट? ये तो अब तक हम लोग सीख चुके हैं कि काफ़ी सारे जो चीज़ें, एग्जांपल कैपिटल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सर्विसेज, हम इस पे जो भी परचेजेस करते वक्त टैक्स भरते हैं उसको हम लोग एज एन आईटीसी क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं। पर क्या हम हर चीज़ का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कई बारी मार्केट में जो नए नए एसोसिएट्स हैं, जो नए नए कंसल्टेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, वो फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं, सर इस चीज़ का आईटीसी मिल सकता है क्या, सर इस चीज़ का आईटीसी मिल सकता है क्या। अब उनको कौन समझाए कि ब्लॉक क्रेडिट समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आईटीसी उस चीज़ का जो आप पूछ रहे हैं वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सो आज हम खुलासा करेंगे पूरे के पूरे ब्लॉक क्रेडिट का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इनफैक्ट वैसे तो पूरा का पूरा आईटीसी ही इम्पॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी आगे जीएसटी में कुछ करना चाहता है जीवन में, उसको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। फाइन, ब्लॉक क्रेडिट्स चलते हैं और सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं लोग इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के लिए। क्या बोल दिया यहाँ पे? सर मोटर व्हीकल पे हम लोग चाह के भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। अब जैसे ही यहाँ पे लिखा ना इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, कोई भी स्टूडेंट के माइंड में पहला क्वेश्चन आ सकता है, सर इन एलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब क्या? तो ये मैंने अपने आप के लिए लिख के रखे हैं यहाँ पे शॉर्ट में एकदम। मोटर व्हीकल डिज़ाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, देखो चाहिए तो आई विल राइट हियर फॉर यू, कन्फ्यूज ना हो जाओ आप, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से, मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोटर व्हीकल डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग capacity of less than or equal to 13 persons। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ तक लेता हूँ मैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को भी हमने यहाँ पे 13 में ले लिया है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। कुछ एक पॉइंट और लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये कन्फ्यूजन की गुंजाइश ही ना रहे हैं। अरे सॉरी, आईटीसी नॉट अलाउड even if used for business। ये है हमारा ineligible motor vehicle। देखो ध्यान से समझना, मैं इस पार्ट में घाई नहीं करने वाला, एंड जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, हम लोग सिर्फ ITC के चैप्टर के लिए हम लोग सीधा समरी से पढ़ रहे हैं, मगर हम लोग समरी से भी ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ के गायब नहीं कर रहे, एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं। समरी से सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम चीज़ों को प्रॉपर एलोकेट करके समझ पाएँ और एक माइंड मैप के साथ में हम समझ पाएँ।
ओके तो थोड़ा आराम से ही जाएगा, जिसको घाई हो आप रिविजन क्लास ढूंढ सकते हैं, ये फुल फ्लेज क्लास है जहाँ पे हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि क्या है ब्लॉक क्रेडिट। ओके इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, क्या बोला, व्हाट इज इन एलिजिबल मोटर व्हीकल? सर मोटर व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, किसका, ऑफ पर्सन का, किसका, ऑफ पर्सन का, ऑफ पर्सन। सर इसका मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट, अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो डिजाइन किया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, क्या वो भी इनएलिजिबल? आंसर इज नो, मतलब वो क्या बन जाएगा, एलिजिबल। फिर एग्जांपल दो, ले लो एग्जांपल लॉरी। लॉरी सुनी कभी आपने मिस दीपा? यस। लॉरी ट्रक कभी देखे हैं जीवन में? हाँ, तो वो लॉरी और ट्रक जो होते हैं वो हम इंसान के यानी कि पर्संस के ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं कि सामान के लिए बनाए गए हैं? सामान के लिए, गुड्स के लिए बनाए गए। तो क्या वो यहाँ पे कवर्ड है इनएलिजिबल के अंदर? द आंसर इज नो। इसका मतलब मेरा अगर कोई बिजनेस है, अगर मैं कोई ट्रक या लॉरी खरीद रहा हूँ तो उसका मैं ITC क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। इन एलिजिबल सिर्फ वही मोटर व्हीकल है जो किसके डिजाइन हुआ है, पर्सन ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है, और वो भी कौन सा व्हीकल की बात हो रही है, एक ऐसा व्हीकल जिसकी अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 13 या उससे कम। सर इसका मतलब अगर मैंने कोई ऐसा व्हीकल लिया है जिसकी कैपेसिटी 14 या उससे ज़्यादा है, या फिर 13 से ज़्यादा, इन शॉर्ट 14 या उससे ज़्यादा है, तो मैं इन एलिजिबल कैटेगरी में नहीं आऊँगा, तो मैं एलिजिबल रहूँगा। क्योंकि ध्यान से समझना, इन एलिजिबल किसको बोला है, कोई भी एक ऐसा व्हीकल, कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल जो डिज़ाइन हुआ है किसी पर्संस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कैपेसिटी उसकी 13 या उससे कम की ही है, 13 तक की ही है, 13 से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल ले लो, मैंने बस खरीदी मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ पे ऑफिस का अप डाउन करवाने के लिए। अब अगर मैंने कोई मिनी बस ली है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 13 या उससे कम की है, तब तो मैं आ जाऊँगा इन एलिजिबल के अंदर। लेकिन अगर मैंने कोई बस खरीदी है अच्छी खासी जिसकी कैपेसिटी 14 या उससे ज़्यादा की है, तो क्या वो बस का ITC मुझे नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कैपेसिटी क्या है उसकी, 13 से ज़्यादा है, 14, 15, 16 जितनी भी हो मिलेगा। अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिज़ाइन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है, अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, आपको अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी को देखना है। सर एग्जाम्पल सिंपल रखो, मेरे पास मारुति 800 है समझो, अब उसमें अप्रूव्ड कैपेसिटी कितनी है, 4 लोग की, 5 लोग की मैक्सिमम ड्राइवर के साथ में। अब उसमें ना मेरा पूरा खानदान बैठ, समझो मेरे खानदान में 15 लोग हैं, हम लोग 15 लोग बैठ रहे हैं उसके अंदर, तो क्या मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ सर देखो 13 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, ITC क्लेम करने दो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ गवर्नमेंट को? द आंसर इज नो, क्योंकि मैं कितने बैठा रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैपेसिटी कितनी अप्रूव्ड, 13, 5 की है खाली कैपेसिटी अप्रूव्ड की, तो हम तो 13 से कम ही मानेंगे, तुम 13 बिठाओ चाहे 25 बिठाओ 50 बिठाओ, हम तो उसको 13 से कम में मानेंगे, और इसलिए आपका ITC क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल। एक बात और आती है क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए, क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, ऐसा कहते हैं कि एक बिजनेसमैन है या एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने बिजनेस का गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक 4-व्हीलर परचेज की। अरे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए की, मगर वो 4-व्हीलर जो परचेज की है, मारुति या जो भी परचेज की है, क्या वो बनी है गुड्स के लिए? बनी किसके लिए है? पर्संस के लिए। तो अगर पर्संस के लिए बनी तो उसमें आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट करो, अगर 13 से कम की कैपेसिटी का है तो भैया इनएलिजिबल हो जाओगे। कभी ऐसा कह देते हैं कि उसने ना परचेज किया है मारुति 800 और वो परचेज किया है बिजनेस के पर्पस के लिए, तो हम लोग ना भावुक हो जाते हैं, बिजनेस के लिए किया है ITC तो मिलना चाहिए ना? नहीं मिलेगा। समझ में आता है? जैसे हमारे क्लाइंट ने रिसेंटली वैगनार परचेज की थी, उसने बड़ा फोर्स किया था हमको कि मुझे ITC दे दो, 1.5 लाख का ITC है, दे दो दे दो दे दो,
हमने बोल दिया आईटी से नहीं मिल सकता है भाई, वो बोलता है मैं बिजनेस के लिए लिया, तो भी हमने क्या बोला नहीं मिल सकता भाई, ब्लॉक्ड है उसका क्रेडिट, नहीं मिल सकता। अब वो कहता है सर 2A में तो आ रहा है, अरे कहीं पे भी आ रहा हो क्रेडिट नहीं मिल सकता, समझा इतना? ओके अच्छा, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि ये एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर ऊपर वाली कैटेगरी में आप फॉल भी कर गए तो भी आपको आईटीसी मिलेगा। कब? जब आपने ये मोटर व्हीकल्स परचेज की हैं यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल। सपोज मैं कार डीलर हूँ, मेरा काम ही है कार परचेज करके कार सेल करना, मैं वो कार की परचेज सेल करता हूँ, मैं वो मारुति का परचेज सेल करता हूँ, तो फिर अगर मुझे डिपार्टमेंट आईटीसी लेने नहीं देगा तो मैं कार खरीद के कार बेचूंगा तो टैक्स कैसे भरूंगा? ठीक है, इसका मतलब अगर आप मैं उसी मोटर व्हीकल के सप्लाई में डील करता हूँ तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। या फिर अगर मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का बिजनेस करता हूँ तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अरे मैंने गाड़ी लिया ओला में चलाने के लिए, तो ओला में चलाने के लिए गाड़ी लिया मतलब तो मुझे मिलना चाहिए आईटीसी उसका, क्यों? क्योंकि मैंने लिया ही क्यों है गाड़ी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन सच मोटर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। अब जैसे आप नई नई कार खरीदेंगे ना तो आप मोटर व्हीकल स्कूल में जाते हैं, वो होते हैं जो आपका लाइसेंस भी बनवा कर देते हैं और आपको कार चलाना भी सिखाते हैं। अब वो लोग हैं ना, उनके पास चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ होती हैं। एक बात सोच के बताओ, अगर वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं और अगर उनको आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या वो गाड़ी परचेस करेंगे अच्छी अच्छी? नहीं परचेस करेंगे, ये उनको डीमोटिवेट करेगा कि मेरे को आईटीसी तो मिल नहीं रहा है, क्यों परचेस करूँ कार को मैं? इसलिए क्या बोल दिया, उनको भी आईटीसी मिलेगा। समझ में आया क्या? सो याद रहे, जनरली आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो उसी मोटर व्हीकल सप्लाई कर रहा है तो मिलेगा, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहा है तो मिलेगा, या फिर वो ट्रेनिंग दे रहा है मोटर व्हीकल पे तो मोटर व्हीकल वाले को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सेम है, एकदम सेम, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अच्छा इसका मतलब, सर इसका तो बहुत सिंपल कर दिया, वेसल तो आपको पता ही है जो शिप वगैरह जो लार्ज शिप्स होती हैं, जो कंटेनर्स होते हैं जो आते हैं जिसके अंदर सामान आता है शिप से, वो ये एयरक्राफ्ट एरोप्लेन। अरे कल को मेरा मन हुआ कि मैं एक प्लेन ख़रीद लेता हूँ, प्लेन ख़रीदी मैंने करोड़ों रुपए की, उस पर आईटीसी या लाखों रुपए का, कैन आई क्लेम आईटीसी? नो, अरे मेरी मर्ज़ी, मैं पर्सनल प्लेन ख़रीद रहा हूँ तो। अच्छा अब मैं बोलूँगा अरे मैंने चार्टर प्लेन लिया है, बिजनेस मीटिंग के लिए लिया है, बिजनेस पर्पज़ के लिए लिया है, कैन आई आस्क फॉर आईटीसी? आंसर इज़ नो, आई कैन नॉट आस्क, बिकॉज डिपार्टमेंट ने साफ साफ क्या बोल दिया, भैया वेसल और एयरक्राफ्ट पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सेम जो था पहले वही सेम है, अगर मेरा काम ही यही है कि मैं एयरक्राफ्ट बना बना के बेचता हूँ, एयरक्राफ्ट खरीद खरीद के बेचता हूँ, अरे तो मेरा काम ये, तो फिर तो मुझे आईटीसी मिलेगा ही ना, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। या मेरा काम है, मैं एक एयरलाइन कंपनी हूँ, मैं विस्तारा हूँ, मेरा काम ही है प्लेन खरीद के प्लेन चला के पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना, मेरा तो बिजनेस है फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना, तो मुझे आईटीसी मिलेगा। या फिर मैं प्लेन चलाना सिखाता हूँ, आईटीसी मिलेगा। या मैं गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तब तो आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझो कि नहीं? ओके नेक्स्ट क्या है, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, फिर रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, ये जो करते हैं ना आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करते हैं, रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। अच्छा अगर एलिजिबल मोटर व्हीकल का रिपेयर करें तब तो मिलेगा, सर कैसे? एग्जांपल दो, सपोज करो मैंने एक कार ली थी ओला में चलाने के लिए, तो सोच के बताओ ये, अब ये कार मेरे लिए क्या है, एलिजिबल या इनएलिजिबल? एलिजिबल। तो अब इस कार का मैं जो रिपेयर करूँगा ना, जब मैं जाता हूँ सर्विस सेंटर रिपेयर करने के लिए, तो बिल में GST लग के आता है, उसका भी आईटीसी मुझे मिलेगा। लेकिन सपोज करो मैंने कार ऐवे ही परचेज की, मेरा कोई भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, मैंने परचेज कर लिया ऐसी बस, तो अब ये कार क्या है, इनएलिजिबल।
तो जब मेरी कार ही इनएलिजिबल है तो उसके ऊपर का रिपेयर्स हो, मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, उस पर ITC मिलेगा नहीं। और ये पॉइंट सबके लिए सेम है। अगर मैं कोई इंश्योरेंस भी ले रहा हूँ उस पर भी GST लग के आता है। अगर वो इंश्योरेंस या सर्विसिंग या रिपेयर्स मेंटेनेंस कनेक्टेड है इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वैसे एयरक्राफ्ट से तो ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एलिजिबल मोटर व्हीकल का है तो मुझे ITC मिल जाएगा। समझियो, देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट आर यूज फॉर एलिजिबल पर्पस, अरे मैंने लिया भले इनएलिजिबल लेकिन मैं पर्पस क्या है एलिजिबल। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके लिखा भी है यहाँ पे, इन शॉर्ट इफ ITC यहाँ एलिजिबल तो इसका रिपेयरिंग एक्सेट्रा सब पे ITC एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ITC पेड ऑन एनी पार्ट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट शैल बी अवेलेबल ओनली इफ फॉल्स इन एलिजिबल कैटेगरी। तो सिंपल सी कहानी है, अगर वो एलिजिबल हो रहा है ITC तो मुझे मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इश्यूड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ इन एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट। अरे मैं बनाता हूँ, अरे सुनो मैं मारुति हूँ, मैं वो मारुति बनाता हूँ, मैं जिसको बेच रहा हूँ वो किसके लिए यूज़ कर रहा है थोड़ी मेरा कंसर्न है। समझ रहे हो बात को, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं जब बनाने के लिए मैं जो रॉ मटेरियल परचेस करूँगा, कंपोनेंट परचेस करूँगा, टायर परचेस करूँगा, इंजन परचेस करूँगा, क्या मुझे उस पर ITC नहीं मिलेगा? उस पर बॉस क्यों नहीं मिलेगा? एक्सेप्शन का वर्ड है मिलेगा, आपका तो बिजनेस है बना बना के बेचना यार, क्यों नहीं मिलेगा? फिर क्या है, When received by a general insurance service provider in respect of such ineligible motor vehicle vessels or aircraft, तो insured by it, तो उनको भी ITC मिल जाएगा। Next देखो क्या है, Leasing, renting, hiring of motor vehicle vessel or aircraft on which ITC is disallowed। अरे जिस motor vehicle पे, vessel पे, aircraft पे ITC ही allow नहीं किया तो क्या उसके रेंटिंग पे, हायरिंग पे या लीजिंग पे ITC मिलना चाहिए? अरे जब उनके रिपेयर्स पे नहीं दे रहे हैं तो रेंटिंग लीजिंग पे क्यों दे रहे हैं? डिपार्टमेंट ने क्या बोला, नहीं देंगे, जा। समझा गया? अच्छा लेकिन यहाँ मजे की बात देखो, हाँ यहाँ पे ना इन्होंने सिर्फ इनएलिजिबल नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे एक चेंज है इसके मुकाबले। क्या लिखा है, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच ITC इज डिसअलाउड। ठीक है वैसे तो एक ही बात है, तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज ऑन द सेम कैटेगरी एग्जाम्पल सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तो ITC मिल जाएगा। अरे वो पार्ट है किसी सर्विस का यार, भले ही इनएलिजिबल था लेकिन वो एक ऐसी कंपोजिट सर्विस का पार्ट ही, अगर वो पार्ट नहीं दूंगा तो काम नहीं बनेगा, तो उस केस में ITC मिल जाएगा। या फिर व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकेंड पॉइंट। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने ना किसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस करवाया किसी अपने एम्प्लॉय का, अब उस पर जनरली ITC नहीं मिलता, सपोज करो इनएलिजिबल हो गया, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर ने अपनी खुशी से करवाया तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि ये तुझे करना ही पड़ेगा, अरे सरकार के बोलने पे किया ना, मैं खुद से किया क्या, नहीं, तो अगर वो किसी ऑब्लिगेशन के तहत किया है ना तो एम्प्लॉयर को उस एम्प्लॉय के लिए जो ऑब्लिगेशन था उसका ITC भी मिल जाएगा, वरना ITC नहीं मिलेगा। अच्छा सर दूसरा एग्जाम्पल समझो, मेरे को ना गवर्नमेंट ने बोल दिया और एक नया एक्ट पास हो गया, एक्ट का नाम रखा ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्ट 2021। उस एक्ट में क्या लिखा है कि हर एक एम्प्लॉयर आज से उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्ट खुद करवाएगा।
किसी भी व्हीकल से फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रांसपोर्ट करवाए का ये उसकी जिम्मेदारी है। अब ऐसे में अगर मैंने चार गाड़ियाँ परचेस की, क्योंकि हो सकता है मेरे चार एम्प्लॉयज़ साउथ लाइन के हो, मेरे चार एम्प्लॉयज़ सेंट्रल लाइन के हो, चार एम्प्लॉयज़ वेस्टर्न लाइन के हो, आई के नॉट हायर अ सिंगल बस फॉर फोर जोन्स। मैंने चार गाड़ी परचेज की, तो वो चारों गाड़ी का अब फिर तो मैं बोलूँगा, अगर जनरली क्या होता है अपन गाड़ी उस टाइम परचेज नहीं करते, रेंट पे लेते हैं, तो उस केस में मेरे को वो मोटर व्हीकल का ITC मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मेरे को सरकार ने बोला था, क्या बोला सरकार ने, कि भाई तेरे को तेरे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट घर पे पहुंचाना पड़ेगा रोज, वरना तू दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर वे अच्छा, इसको अपन और सिंपल कर देते हैं तुम्हारे लिए। तुमने कभी ओला यूज करी है ना? अब अपने जो ओला यूज करते हैं, पता है उस ओला में GST लग के आता है, उसका ITC मिलता है क्या? कभी आज तक 2A में देखा है उसका ITC? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जो सर्विस है वो लीजिंग में कवर होती है, ये लीजिंग में कवर होती है ना, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग उसी में तो आ गया ये। और ये क्या है, उसका जब ITC डिसअलाउड है तो फिर उस रेंटिंग वाले पार्ट के सर्विसेज का GST का ITC क्यों मिलेगा? लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे फोर्स किया और मुझे ज़बरदस्ती एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है कंपल्सरीली, उस टाइम पे अगर ओला कोई भी GST चार्ज कर रहा है मुझसे, तो वो GST में क्लेम करूँगा, बिकॉज ये जो मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ ये सरकार के निर्देश अनुसार कर रहा हूँ, कंपल्सरी ऑब्लिगेशन में कर रहा हूँ। समझ में आया क्या बात? ये सब हाइपरबली एग्जाम्पल है, कहीं कनेक्टेड नहीं है कहीं, बट समझाने के लिए बता दिया मैंने, इसको दिल में मत ले लेना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखो और क्या है। इन सब में ITC कभी भी नहीं मिलता। फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, अब जाते हो ना पार्लर वार्लर, हमारा थोड़ा ख़राब कर दो, उस पर भी पता है GST लग के आता है। तो कभी अगर कपिल के सलून्स वगैरह गए हो तो उस सब पे ना प्रॉपर बिल बनते हैं और बिल पे GST लिखा हुआ है, उस GST का ITC मिलता है कभी? क्या नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। हेल्थ सर्विसेज होती है, आप कई बार बहुत सारी मेडिसिन लेते हो जिस पे GST लगा हुआ आता है, उसका मिलता है ITC? नहीं मिलता है। उसके अलावा कोई लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस है, उस पर भी पता है GST लग के आता है, उसका मिलता है ITC? उसका भी ITC नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। फूड एंड बेवरेज, आप होटल जाते हो, खाना ठूसते हो भर भर के, 1000 रुपये का बिल आया, साथ में GST लगाया सपोज करो एक एक्स अमाउंट का, उसका ITC मिलता है क्या? आंसर इज नहीं मिलता है। कई बार क्लाइंट नहीं समझते, होटल जाते हैं खाना ठूसते हैं और वो बिल लेके आते हैं, बोलते हैं दिलवा दो ना ITC। अरे नहीं मिलता है यार, कैसे दिलवा दो ITC? लेकिन ये तो सख्त रूल हो गया डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या कवर्ड है? वो बोला इन केसेस में ITC मिलेगा। कब? When a particular category of such inward supplies is used for making an outward taxable supplies of the same category, यानी कि subcontracting, यानी कि mixed supply या compulsory supply का part। Example दो, ऐसे नहीं समझेगा, ले लो example। आपने ना होटल में खाना खाया, उस पर जो बिल आया उस पर GST है, मिला ITC? नहीं मिला, नहीं मिल सकता। लेकिन वो जो होटल वाला है, होटल वाले ने तो और 10 सप्लायर से माल लिया होगा, उस पर उसने टैक्स भरा होगा परचेज पे, क्या उसको मिलेगा ITC? उसको मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसने वो सामान क्यों परचेज किया? भले ही उसने भी फूड्स परचेज किए, उसने भी बेवरेज ही परचेज किया, लेकिन उसको मिलेगा, बिकॉज वो किस में है, उसी बिजनेस के अंदर है जहाँ पे वो सब कॉन्टेंट कर रहा है, वो किसी से ले किसी को बेच रहा है, उसको ITC मिल जाएगा, ठीक है? मगर आप एज ए कंज्यूमर खा रहे हो, आपको ITC नहीं मिलेगा। डोमिनोज से आप सामान लेते हो, GST लग के यार ITC नहीं मिलेगा, लेकिन डोमिनोज जिससे सामान खरीद रहा है वो भी खाने का सामान है, बट डोमिनोज को ITC मिलेगा बिकॉज वो उसके बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है? सेम सप्लाई में इन्वॉल्व होना चाहिए। आगे चलते हैं। व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, पता है कई बार हम लोग देखते हैं
जैसे कभी अगर आप आयकर विभाग वगैरह गए हो, वहाँ पे कैंटीन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जहाँ पे खाना वाना ठूसने के लिए मिलता है, सस्ते में खाना मिलता है, ठीक है। तो अब अगर वो डिपार्टमेंट का ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और एम्प्लॉयज़ कौन है जो वहाँ पे काम करते हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर्स। अगर वो डिपार्टमेंट का ऑब्लिगेशन है कि खाना देना ही पड़ेगा, अगर खाना देना पड़ेगा वो ऑब्लिगेशन है, तो पता है वो जो कैंटीन वाला है ना, वो ये सर्विस देने का GST चार्ज करता है किससे? कंपनी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आई अगेन रिपीट माई एग्जाम्पल। मेरे एग्जाम्पल में यहाँ देखो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मेरे एग्जाम्पल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कौन है? एम्प्लॉयर। वहाँ के जो AO है, AO असेसिंग ऑफिसर्स, वो कौन है? एम्प्लॉई। और वो जो कैंटीन वाला है वो कौन है? वो है सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस दे रहा है कैंटीन का। अब खाना ठूसने कौन जाएगा? एम्प्लॉई। लेकिन खाने का बिल कौन भर रहा है? समझो एम्प्लॉयर भर रहा है। अब एम्प्लॉयर जो खाने का बिल भर रहा है ना, उसमें समझो 100 रुपया प्लस 5 रुपया जी 105 रुपये का बिल है, तो क्या एम्प्लॉयर को वो 5 रुपये का GST क्रेडिट मिलेगा? तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या बोल दिया कि ये एम्प्लॉयर का कंपल्सरी ऑब्लिगेशन था क्या एम्प्लॉय के प्रति? अगर था तो ले ले क्रेडिट, बट अगर कंपल्सरी नहीं था, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से कर रहा है एम्प्लॉय की खुशी के लिए, तो मिलेगा ITC? नहीं मिलेगा। 105 पूरा का पूरा एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा। समझू क्या इतना? Yes. अच्छा देखो और क्या है, ये कहानी और चल रही है। मेंबरशिप ऑफ क्लब एंड हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, आप किसी जिम विम को ज्वाइन कर लो, उस पर GST लगा हुआ होता है, उसका भी ITC नहीं मिलता। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय को दे रहा है किसी ऑब्लिगेशन के तहत, तो ITC मिल जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय हर जगह ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन, ईदर लीव ट्रैवल कंसेशन या होम ट्रैवल। तो हम लोग ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को, बोल रहे हैं जा यहाँ घूम वहाँ घूम, और उसका पैसा अपन एम्प्लॉयर भर रहा है। अब वो जहाँ घूमने भेज रहे हैं वो सब पे टैक्स तो लग रहा है, उसका मिलेगा ITC? नहीं मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा एक्सेप्शन? जब एम्प्लॉयर ने कब किया ये सब? किसी ऑब्लिगेशन के तहत किया है, सरकारी ऑब्लिगेशन के तहत किया है, स्टेट ऑब्लिगेशन के तहत किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनवर्ड्स सप्लाई रिसीव्ड बाय NRTP। ये NRTP के साथ में ना एक टिपिकल बहुत दुर्व्यवहार व्यवहार किया गया है, इसको याद रखियो, एक्सेप्शन बाद में पढ़ना, ध्यान रखियो उसके लिए। क्या बोला? NRTP कौन था? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। याद है अपना एग्जाम्पल, वो नेपाल से एक बंदा यहाँ पर रजाई बेचने के लिए आया था। अब देखो वो जो बंदा नेपाल से यहाँ रजाई बेचने के लिए आया है ना, तो हो सकता है रजाई बेचते बेचते उसको लगा अच्छा खासा बिजनेस सेट हो गया है, अब रजाई तो ख़त्म हो गई है। तो उसने क्या किया, वो यहीं पे यहाँ आसपास से के लोगों से, लोकल से माल परचेस करने लगा, अपना ब्रांड चिपकाया और बेचने लगा। अब देखो उसने जहाँ पे लोकल से माल परचेस किया होगा उसमें उसका टैक्स तो लगा होगा, क्या उसको उसका ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो तुम और मैं अगर परचेस करते हैं, कुछ परचेस किया बाजूबाजू नुक्कड़ से, दूसरे नुक्कड़ पे बेच दिया, तो अपने को मिलेगा ITC ना? अपने को मिलता है। इस बेचारे NRTP को क्या बोला? चट नहीं मिलेगा जा। इन शॉर्ट, ये NRTP इंडिया में आके कोई भी लोकल परचेजेस करेगा ना, उसका उसको ITC नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो रजाई बाहर से लेके आ रहा है ना, जब वो बाहर से यहाँ लेके आ रहा है, तो कई बार बहुत सारी ड्यूटीज भरनी पड़ती हैं, टैक्सेस भरने पड़ते हैं इंपोर्ट करने के लिए इंडिया में, जो आगे कस्टम में कवर होगा। तो वो जो माल बाहर से इंडिया में ला रहा हूँ ना इंपोर्ट करके, उस पर जो मैं टैक्स भर रहा हूँ ना, उसका ITC मिलेगा, ठीक है। हमको उसमें भी IGST भरना पड़ता है। इसका मतलब जो माल बाहर से लाया उस पर जो कस्टम अथॉरिटी वाले को भर रहा हूँ ना ITC वो टैक्स, उसका क्रेडिट ले ले, लेकिन देश में रह के माल खरीद के बेचूंगा उसका ITC नहीं मिलेगा। समझियो कि ना आई। नेक्स्ट क्या है? टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, टैक्स शॉर्ट
या नॉट पेड या एरेनियसली रिफंडेड ड्यू टू फ्रॉड एक्सेट्रा. अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड इनकन्वीनियंस इन ट्रांजिट विच आर डिटेन्ड एंड 130 फाइन पेड इन लियू ऑफ कन्फिस्केशन. ये सब पे नहीं मिलेगा. सर ये क्या है, ध्यान से सुनो 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 सुनो. मैंने टैक्स की चोरी कर ली, ध्यान से सुनना. मैंने टैक्स की चोरी की, पर मैंने किसी से माल परचेज किया और मैंने जिससे माल परचेज किया उसने टैक्स भरा ही नहीं डिपार्टमेंट को, तो कहने से उसने टैक्स की चोरी कर ली उसने. अब उसने टैक्स नहीं भरा, मैं तो क्लेम कर लिया मैं रिटर्न में क्रेडिट ITC के बेसिस पे. डिपार्टमेंट चिट्ठी बेचे क्या बोला, नहीं चाल बे पैसा भर. भर दिया पैसा. अब उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन स्टेज पे जिसने चोरी की उसको पकड़ा डिपार्टमेंट ने और मालूम पड़ा कि डिपार्टमेंट के साथ फ्रॉड चल रहा था. बिल तो था ही नहीं, बिल था तो फेक था, एक्स वाई जेड कुछ भी फ्रॉड चल रहा था. अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने वसूली किया. वसूली करने के बाद में अब मैं गया, सर 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 आपको उससे ITC मिल गया ना, प्लीज़ मुझे क्लेम करने दो ना अभी. डिपार्टमेंट बोलेगा तुम्हारे कान के नीचे, ये जो फ्रॉड से हमने टैक्स रिकवरी किया है ना उसका तुमको ITC नहीं देंगे. अब देखो भले ही वो गुड्स नॉर्मल वाले गुड्स हो, उस पर ITC मिलता हो, एलिजिबल हो, सब कुछ हो, हमने रिकवरी किया ना, डिपार्टमेंट बोलता है हमको मेहनत करना पड़ा, हमको मैजिस्ट्रेट से बात करना पड़ा, हमको पुलिस को लेके जाना पड़ा, इतना मेहनत करना पड़ा, अब तू आगे भी मांगे ITC का, गेट लॉस्ट, नहीं देगा ITC, जा. बोले कहाँ लिखा है, बोले यहाँ पे लिखा है ब्लॉक क्रेडिट में लिखा है, ITC नहीं देंगे, जा. समझू क्या? ओके. इसके बाद है एक और पार्ट ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, छोटा सा पार्ट और है, फिर हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे. हैव अ लुक. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इस पर ITC नहीं मिलता, इस पर बड़े बड़े ITC इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ITC नहीं मिलता. सर नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद अपन इसको मोल्ड करते जाएंगे. मैंने ना मेरे गांव में मेरा घर बनवाने का मन हुआ, मेरी ज़मीन पड़ी थी गांव में, मैंने कहा घर बनवाना है. अच्छा अब वो मूवेबल तो है नहीं, उठाया भगवान हनुमान जी को बोला उठा के यहाँ वो शिफ्ट तो कर सकते नहीं, अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई. अब वो खुद तो बनाऊंगा नहीं घर, मैंने क्या किया, मैंने वहाँ किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, वो मुझे बना के देगा. तो कहना इसे मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ले रहा हूँ. तो लेटर ऑन सपोज मैंने वो घर बनाया 100 करोड़ रुपए का, तो वो 100 करोड़ प्लस 18% GST मतलब 118 करोड़ का मेरे को बिल देगा, क्या मुझे उसका ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो भी मैं ले रहा हूँ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए मुझे कभी ITC नहीं मिलेगा. लेकिन एक्सेप्शन दिया डिपार्टमेंट ने, वो बोला इतना रूल होना अच्छी बात नहीं है, एग्जेम्पशन क्या दिया. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर प्लांट एंड मशीनरी. अरे भाई वो तो मैं घर खुद के रहने के लिए बना रहा था, तो नहीं मिला एग्जेम्पशन, नहीं मिला ITC. लेकिन मैं सरकार के लिए बिजनेस ला रहा हूँ, मैं देश की GDP बढ़ा रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री सेटअप किया, उस फैक्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी बनवा रहा हूँ और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, कायदे से सोच के बताओ अब मुझे ITC मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. मिलना चाहिए ना यार, मैं तो देश का उद्धार कर रहा हूँ यार, प्लांट एंड मशीनरी लगा रहा हूँ, उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा हूँ, तो मिलेगा, जा. बोला मिलेगा. और क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल बाय अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग. अब वो सपोज करो वो जो बंदा है जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी बना के दे रहा है, या जानो जान दो प्लांट एंड मशीनरी, समझो घर की बात करते हैं, जो मेरा घर की बात की थी एग्जाम्पल, घर वाली बात की थी, उसी की बात करते हैं. एक बंदे को मैंने बोला मेरा घर बना के दे, वो मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, तो मुझे ITC नहीं मिलेगा. लेकिन जिस बंदे को मैंने बोला ना बनाने के लिए, वो बंदे ने, मैंने ए को बनाने के लिए बोला और ए ने क्या किया, ए ने कॉन्ट्रैक्ट बी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ए ने बोला बी को, बी तू बना के दे. तो अब ए मुझे बिल दे रहा है, मुझे तो ITC नहीं मिलेगा, मगर ए भी तो किसी से बिल ले रहा है,
किसी से परचेज कर रहा है, किससे, बी से, तो ए को आईडी सी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ए किसमें इन्वॉल्व है, ए इन्वॉल्व है सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, जहां पे ए बी से काम करवा के मुझे बेच रहा है, तो ए को आईटीसी मिलेगा। लेकिन मैं फाइनल कंज्यूमर, मैं बनवा रहा हूं, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तंबूरा मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। देखो सब जगह ये चीजें कॉमन है, अगर मुझे नहीं भी मिलता आईटीसी, बट अगर मेरा उसका बिजनेस है, मैं सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैं लेके मैं खुद आगे सप्लाई करता हूं, तो आईटीसी मिल जाता है, वरना आईटीसी नहीं मिलता। जैसे मैं बिल्डर की बात करता हूँ, देखो 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 बिल्डर की बात करता हूँ, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा के रेसिडेंट्स को जो आएंगे वहाँ पर उनको बेच देता है। तो कहना है इसे बिल्डर इज सॉर्ट ऑफ ऐसा बंदा है जो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी से कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो बिल्डर को आईटीसी मिल जाता है कॉन्ट्रैक्टर के बिल पे। लेकिन जो बिल्डर अपने को बिल देता है ना, उसका आईटीसी अपन क्लेम कर सकते हैं, नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा नेक्स्ट क्या है, वेयर वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड, तो वहां पे आईटीसी मिल जाता है, दैट इज कौन सा वाला, रेगुलर पेनल वाला रिपेयर्स। अब जैसे मेरा घर था, अब घर जाते समझो मेरा ऑफिस था, एक बात बताओ, मैं अपना ऑफिस बनवा रहा हूँ और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? ऑफिस बनवा रहा हूँ, मेरे गांव में जो घर था ना, घर नहीं बनवा रहा मैं, तो ऑफिस बनवा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, क्या मेरे को आईटीसी मिलेगा? हट, नहीं मिलेगा, यही पता ही था गलती करेंगे। क्या लिखा है सेक्शन में साफ साफ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन इमोवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। कहीं पे भी लिखा है क्या इमोवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल के लिए तो नहीं मिलेगा, वरना मिलेगा, ऐसे कहीं लिखा है कहीं पे? कहीं नहीं लिखा है। बिजनेस, ऑफिस खोल, टावर खोल, कुछ भी खोल, नहीं मिलेगा, भाग यहां से। खाली कब मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो तब मिलेगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम है तब मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ऑफिस खोलने के लिए लिया, ऑफिस बनाने के लिए लिया, वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस करने के लिए लिया, दूं क्या आईटीसी? नहीं देने का, अनलेस यू डू नॉट फाइंड प्लांट एंड मशीनरी वर्ड, डू नॉट गिव आईटीसी। समझियो, ओके, इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं। अच्छा ये नेक्स्ट, हेलो आर यू देयर? ओके फाइन, अब चलते हैं आगे और देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेयर वैल्यू ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इज नॉट कैपिटलाइज्ड, यानी कि पीएन वाले रिपेयर्स। देखो मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ, वो ऑफिस बनाने का तो आईटीसी नहीं मिला, लेकिन जो मैं उस पर रेगुलर रिपेयर्स कर रहा हूँ ना, कौन से रिपेयर्स, समझो मेरा एसी खराब हो गया था, जान दो एसी, समझो कोई वॉल पे कोई लीकेज आ गया था, मैंने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया कि वो लीकेज ठीक कर दे, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा, क्योंकि वो जो मैं रिपेयर करवाया, क्या वो रिपेयर में कैपिटलाइज करने वाला हूँ मेरे एसेट के कॉस्ट में? आंसर इज नो, वो तो मेरे पीएल वाले खर्चे हैं, तो पीएल वाले खर्चे के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है ना, आईटीसी बिंदास मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप पूरा ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक। ओके देखो नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये देखो क्या है, इनवर्ड सप्लाई, मैं किसी से सप्लाई ले रहा हूँ, इनवर्ड सप्लाई, मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ, इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ, अपने भाषा में परचेजेस ले रहा हूँ, किस कौन ले रहा है, टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट इंक्लूडिंग व्हेन सच सप्लाईज आर यूज्ड फॉर, ये पता है ये वही है जो मैंने एग्जाम्पल कहा था ना, कि मैं ऑफिस बनवा रहा हूँ मेरे लिए, ये वही एग्जाम्पल है। तो मैं अगर ऑफिस भी बनवा रहा हूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बिजनेस के लिए भी कोई प्रॉपर्टी बनवा रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बस उतना ही बताना चाह रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है,
अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मिल जाएगा, और या फिर कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का किसी और के लिए बना रहा हो तो मिल जाएगा। जैसे बिल्डर, बिल्डर भी सर्विस लेता है बट किसके लिए बनाता है, किसी और के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन मैं खुद के लिए बनाऊंगा तो नहीं मिलेगा। बिल्डर ने खुद के लिए बनवाया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट बिल्डर मतलब बिल्डर के नाम को नहीं मिलता ITC, बिल्डर किसके लिए बना रहा है। कई बार बिल्डर खुद के लिए विला बनवाता है उसको मिलेगा ITC? नहीं मिलेगा। बिल्डर विला किसी और के लिए बना रहा है उसको मिलेगा ITC? उसको मिल जाएगा ITC। और सेम वही ये जो PL वाला कोई खर्चा करेगा कोई आदमी, उसको ITC उस पर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रहे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड कोई रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्शन का ही कंस्ट्रक्शन ही माना जाएगा, रिनोवेशन भी कंस्ट्रक्शन है, एडिशनल ऑल्ट्रेशन रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, वो सब कुछ क्या है, कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। देखो अपन ने सीखा है अकाउंट्स में बचपन में 11th में, अगर रिपेयर्स मेजर रिपेयर्स है ना जिससे एसेट की लाइफ बढ़ती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो कैपिटलाइज कर लिया तो फिर आपको वही चेक करना है कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो या प्लांट एंड मशीनरी कर रहे हो क्या, वरना नहीं मिलेगा। अगर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो ये PL वाला खर्चा, तब तो हमेशा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो ये सिंपल है कि ये इसमें प्लांट एंड मशीनरी मीन्स अपैरेटस इक्विपमेंट। अच्छा ये PM का मतलब क्या क्लेरिफाई कर दिया, ये अपैरेटस भी आ गए, इक्विपमेंट भी आ गया, मशीनरी आ गया, जो फिक्स टू अर्थ है बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट एक्सक्लूड्स। देखो प्लांटेड मशीनरी में क्या नहीं आएगा, लैंड या बिल्डिंग को प्लांटेड मशीनरी नहीं मानेंगे, कोई और सिविल स्ट्रक्चर है उसको प्लांटेड मशीनरी नहीं मानेंगे, टेलीकम्युनिकेशन टावर है, टावर देखते ना अपन एयरटेल का टावर, वोडाफोन का टावर, वो अपने को अपनी भावनाओं से लगता है कि वो तो प्लांट एंड मशीनरी है। डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोल दिया हम उसको प्लांट मशीनरी नहीं मानते, अगर वो बनाओगे ना बनाओ ITC नहीं मिलेगा। कोई पाइपलाइन मैंने लगाई है फैक्ट्री प्रमाइसिस के बाहर, ये बोल के कि ये तो मेरा पार्ट है ना, ये तो मशीन का पार्ट, नहीं मिलेगा भाई। ये सब चूना मत लगाओ सरकार को, ठीक है, ITC नहीं मिलने वाला है। पता है इसमें ना कहीं पे तो एक केस, एक कहीं तो मैंने कुछ केस देखा था, ध्यान से एग्जांपल सुनना क्या एग्जांपल था। देखो प्लांट एंड मशीनरी भी तो ITC मिलता है, बनवाएंगे तो मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के ऊपर भी, याद रहे ये सब बात हो रही थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को लेके। अगर रेडीमेड कोई प्लांट परचेज किया है तब तो ITC वैसे भी मिलता है, अपन बात कर रहे हैं सर्विस ले रहे किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस केस में क्या। ओके एक केस ऐसा था कि एक फैक्ट्री है मेरा, वो फैक्ट्री बनवाने के लिए मशीनरी सेटअप करवा रहा हूँ, उसके लिए मैंने सर्विसेज वगैरह लिया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ तो ITC मिल जाएगा। उसमें क्या किया ना, एक बाइक के जैसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया फैक्ट्री के अंदर, बाइक के जैसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, और वो स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन होके हुआ है कि वो मशीन का एक पार्ट बन गया, और मशीन मतलब फैक्ट्री में ना इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसी बाइक के साथ में, कोई बंदा नहीं कर रहा, वो मशीन से ऑपरेटेड होकर सारा काम रोबोटिक तरह से काम हो रहा है। तो वो जो बाइक है उस बाइक को मोटर व्हीकल मान के, देखो जो ऊपर सीखा था ना मोटर व्हीकल, देखो 13 से कम बाइक तो पर्सन के लिए बना है और 13 से कम के लिए बना है, और यहाँ कहीं ऐसा तो लिखा नहीं है कि सिर्फ कार की बात कर रहा है, बाइक भी कवर हो गया मोटर व्हीकल के अंदर। तो अब वो बाइक जो मशीन से अटैच होके अंदर ही अंदर मशीनों के अंदर सप्लाई कर रही है चीज़ों को, वो वाली बाइक को हम मोटर व्हीकल मानेंगे या प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे? अगर मोटर व्हीकल मान लिए तो ITC नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी मान लिए तो ITC मिलेगा, है ना। तो उस केस का कुछ ऐसा रिजोल्यूशन था जहाँ तक मुझे याद है, एक बार आप दोबारा फिर से चेक भी कर सकते हैं, ऑल्दो आई एम 100% श्योर कि राइट ही होगा। वहाँ पे देखा गया और ऑब्जर्व किया गया कि ये एक सब्जेक्टिव केस है, अगर वो पर्टिकुलर बाइक इस तरह के स्ट्रक्चर में है कि वो बाहर रोड पे नहीं चल सकता, सिर्फ फैक्ट्री के लिए बना है, फैक्ट्री के प्लांट मशीनरी से अटैच्ड है, उसके अंदर ही रह सकता है, अगर ये सब चीज़ें फुल प्रूफ हो जाती है तो फिर वो
उसको मोटर व्हीकल नहीं मानेंगे, मतलब ITC दे सकते ले सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी मान के, और उसके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे भी ITC ले सकते हैं बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। अगर ये सफाइस नहीं करता कंडीशन तो फिर आप उसका ITC नहीं ले सकते, समझियो। ओके, उसके बाद ये दो तीन चीज़ और है, ये तो आपको वैसे भी पता है, इन्वर्स सप्लाई चार्ज टू कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। अगर आपने किसी कॉम्पोजिशन डीलर से माल लिया है तो उस कॉम्पोजिशन डीलर देता क्या है आपको, वो आपको देता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में वैसे भी ब्रेकअप होता भी कहाँ है GST का, तो सिंपल है ITC मिलेगा ही नहीं आपको। ये देखो ये मज़ेदार है, आपके गुड्स चोरी हो गए, गुम हो गए, बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए और आपने डिस्पोज कर दिया, या फिर आपने ना गिफ्ट वगैरह या फ्री सैम्पलिंग कर दिया, क्या उनका ITC आप ले सकते हो? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आपके पास 100 रुपये का माल पड़ा था, पूरा का पूरा माल है ना, आपने क्या किया डिपार्टमेंट को, आपने क्रेडिट तो ले लिया ITC का, नेक्स्ट मंथ डिपार्टमेंट को क्या बोल दिया, सर वो पूरा माल जल गया सर। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, जल गया ना, तो तू उसका ITC लिया था ना पिछली बार, पिछले महीने, उसको रिवर्स कर विद इंटरेस्ट। ऐसा क्यों? अरे सिंपल है, डिपार्टमेंट भी समझता है तुम बहुत शाणे हो, फिर तो हर कोई यही करेगा, माल परचेस करो नेक्स्ट मंथ बोल दो जल गया। तो बोला भाई चोरी स्टोलन डिस्पोज कुछ भी हुआ, या गिफ्ट दे दिया किसी को फ्री में, गिफ्ट कैसे दिया, तू तो खरीद, तू तो क्यों खरीदा था बेचने के लिए, गिफ्ट दे दिया, गेट लॉस, ITC नहीं मिलेगा, मिला था रिवर्स कच्चा। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्स सप्लाई इज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो हमने ऑलरेडी पता है, तो पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज एवरीथिंग कनेक्टेड टू ITC। जब भी लाइफ में कहीं अटको और ये क्वेश्चन आए कि ये पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे क्लेम करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दो पेज का चार्ट आपको सारे आंसर्स दे देगा कि अगर वो ब्लॉक क्रेडिट में आता है तो ITC नहीं मिलेगा, अगर वो ब्लॉक्ड में नहीं आता है तो आपको ITC बिंदास मिलेगा, कोई टेंशन के बिना, ठीक है। सो कोई डाउट यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे? सो दैट्स इट फॉर द डे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, अलविदा। और हाँ, जिसको ये लेक्चर्स लाइव अटेंड करने हैं वो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भर के लाइव अप्लाई कर सकता है, एंड वी विल आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एंड यू कैन जॉइन अस लाइव। ओके, तो बाय बाय, शुभ रात्रि।